मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना ही नीति है और ना ही नेतृत्व है। बीजेपी की 175 सीटें आएंगी। मोदी जी और शिवराज जी की योजनाओं से जनता को फायदा हुआ है, सीएम कौन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि ये काम दिल्ली में बैठे हमारे नेताओं का है। इसके अलावा हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है, विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद नेता का चयन होगा, फिर संसदीय दल की बैठक में नाम पर मुहर लगेगी और कोई भाजपा कार्यकर्ता ही सीएम बनेगा। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने विधानसभा की काउंटिंग को लेकर धारा 144 के आदेश जारी कर दिए। इसके धारदार हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो किसी भी उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित किए गए। सभा, धरना, प्रदर्शन और रैली पर भी रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिले की सभी शराब दुकानों को आज रात से सोमवार सुबह तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ग्वालियर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने पर प्रमोशन के रूप में खुद को सीएम के रूप में देखने के सवाल पर कहा है कि प्रमोशन कौन नहीं चाहता, लेकिन मैं मुख्यमंत्री की दौड़ कहीं भी नहीं हूं। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि सवाल ही आप गलत जगह पर कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मतगणना से पहले शनिवार को अपने कार्यकर्ता, प्रत्याशी और पोलिंग एजेंट्स के साथ बैठक कर उनमें जोश भरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वे खुद मतगणना पर अपनी पूरी नजर रखेंगे, इसके साथ ही वे कार्यकर्ताओं के साथ सतत संपर्क में रहेंगे। बता दें, काउंटिंग से पहले शनिवार शाम को पीसीसी में कांग्रेस मीडिया विभाग की भी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि भाजपा के अब तक दो ट्रक भरकर नोट आ चुके हैं। वर्मा का यह बयान विधानसभा चुनाव को लेकर आया है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में डंके की चोट पर कांग्रेस सरकार ही बनेगी। वर्मा ने कहा है कि पिछले टर्म में कांग्रेस के जो विधायक बिक गए थे वो विधायक नहीं बंधुआ मजदूर थे। उन्होंने कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।